हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लोरिन्स रेसिपीज। दिस इज लोरिन और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक की सूखी सब्जी, जिसे हम स्पिनिच भी कहते हैं। इस सब्जी में आयरन की मात्रा भरपूर होती है, तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है। इफ यू लाइक माय वीडियो सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। इसके लिए मैंने लिया है 2 जुड़ी पालक के पत्ते, जिसे धो के अच्छी तरह से मैंने बारीक काट लिए है। 2 प्याज लंबे कटे हुए, 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच लहसुन बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, 3 हरी मिर्च लंबी कटी हुई, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक आपके स्वाद के अनुसार लीजिए, 1 बड़ा चम्मच तेल, थोड़ा सा पानी लगेगा हमें। अब मैंने एक पैन गरम कर लिया है, उसमें हम डालेंगे तेल। तेल जैसे गरम हो जाता है, इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए लहसुन, इसी के साथ अदरक कद्दूकस किया हुआ, और इसे अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब मैं डालूंगी हरी मिर्च और इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे प्याज, प्याज को अच्छी तरह से मिला के जब तक वो नरम ना हो जाए तब तक उसे भुनेंगे। प्याज अब नरम हो चुके हैं, अब इसमें डालेंगे टमाटर, 1 मैंने बड़ा टमाटर लिया हुआ है, इसमें अच्छी तरह से मिला ले। इसी में डालेंगे हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसी में अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले जले ना। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अभी इसे ढक के 5 मिनट के लिए टमाटर नरम होने तक रख देते हैं। इसे धीमी आंच पर पकाना है, धीमी आंच पर रखना है। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और मसाले को अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। मसालों को अच्छे से भूनना है हमें, तभी हमारी सब्जी टेस्टी बनेगी। अब मसालों का पानी सूख चुका है, ये देखिए पूरी तरह से सूख चुका है पानी। अब इसमें डालेंगे पालक के पत्ते, जो मैंने बारीक काट के रखे हुए हैं। नमक अभी नहीं डालना है, इसे पहले अच्छी तरह से मिला लेते हैं, क्योंकि अभी ये भरा हुआ लग रहा है। जब पकने के बाद ये देखिए अभी थोड़ा सा हो चुका है, अभी इसमें हम नमक डालेंगे। ये नमक डाल दिया, अभी इसे मिला लेते हैं। अभी इसे ढक के धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, या तो जब तक इसका पानी सूख न जाए। 10 मिनट हो चुके और ये हमारी सब्जी तैयार है। इसे चपाती, पूरी, पराठा किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you for watching. If you like my mama's video, so please like, comment and subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell button.